कभी नहीं होगी। और जैसे ही तथास्त्र कहा, अब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। चारों पुत्र हाथ जोड़ के बोले, पिताजी भला 5 वर्ष का बालक सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? 5 वर्ष के बालक को यही नहीं पता रहता कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, भला वो सृष्टि की रचना कैसे करेगा? ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि आपने हमसे छल करके वरदान मांग लिया। और ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी की भौं से भगवान भोले बाबा रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही रोते हुए प्रकट हुए, इसलिए नाम पड़ा उनका रुद्र भगवान। बोले रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान जैसे प्रकट हुए, उनकी रहने की व्यवस्था हुई। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र भगवान से कि आप सृष्टि की रचना करो। अब भोले बाबा ने सृष्टि की रचना शुरू कर दी। अब भोले बाबा की सृष्टि कुछ अलग क्वालिटी की। अब भोले बाबा ने शुरू कर दिया सांप बिच्छू ततैया मगरमच्छ डाकिन साकिन भूत प्रेत चुड़ैल। जैसे ही ऐसी सृष्टि की रचना शुरू की, एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो सृष्टि तो देखें कैसी रचना हुई है। ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा से पूछा कि सृष्टि की रचना चालू है? भोले बाबा ने कहा हाँ। बोले दिखाओ कैसी है। जैसे ही ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए लेके गए, तो एक मगरमच्छ ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़ा। और जैसे ब्रह्मा जी की ओर दौड़ा, ब्रह्मा जी अपनी जान बचा के भागे। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु जी, आप कैसी सृष्टि की रचना कर रहे हो? अगर ऐसी सृष्टि की रचना करोगे तो कैसे काम चलेगा? बंद कर दीजिए, आप इस सृष्टि को आप यहीं रोक दीजिए। तो भोले बाबा बोले, तो फिर हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, आप समाधि लगा के बैठ जाओ, उसी में भलाई है। अब भोले बाबा समाधि लगा के बैठ गए। जब उनसे भी सृष्टि की रचना नहीं हुई, तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। 10 मानस पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने और उत्पन्न किए। साथ में 1 पुत्री जिसका नाम है सरस्वती। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के ऊपर गलत दृष्टि डाली। जैसे गलत दृष्टि डाली तो 10 मानस पुत्रों ने देख लिया अपने पिताजी को कि अपनी सगी पुत्री पर ऐसी गंदी नजर डालते हुए, तो 10 मानस पुत्रों ने कहा कि पिताजी, आपके जैसा अगर पिता ही ऐसा घिनौना कार्य करेगा तो संसार का क्या होगा? अरे आप संसार के मालिक हैं, विधाता ब्रह्मा, और आप ही अपनी पुत्री के ऊपर ऐसी गलत दृष्टि डालते हैं। आपको तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपने अपनी सगी बेटी के ऊपर ऐसी गंदी नजर डाली है। ब्रह्मा जी को जैसे इतना कहा, ब्रह्मा जी तो अपने आप पर गिलानी हुई और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को उसी समय त्याग दिया। जैसे ही शरीर को त्यागा तो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हो गया धूल। ये जो सर्दियों में पड़ता है धूल, कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसे कोहरा भी बोलते हैं, ये ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। जब दोबारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस बार मैं सृष्टि की रचना बड़े सुंदर तरीके से करूंगा। लेकिन इस बार भी ब्रह्मा जी से गलती हो गई। गलती क्या हुई? केवल नर जाति ही उत्पन्न की, स्त्री जाति कोई उत्पन्न नहीं की। केवल नर जाति ही हो गए, राक्षस ही राक्षस उत्पन्न हो गए। और राक्षस वैसे भी कामी होते हैं। एक दिन काम भावना की दृष्टि से सभी ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े और ब्रह्मा जी अपनी जान बचाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण से कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। नारायण भगवान बोले, ब्रह्मा
अब ये शरीर तुम्हारा गंदा हो चुका है, अब इससे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग से स्त्री हो गई और एक भाग से पुरुष उत्पन्न हो गया। जो स्त्री उत्पन्न हुई उसका नाम है सतरूपा और जो पुरुष उत्पन्न हुए उनका नाम है स्वयंभू मनु। यहाँ से नर जाति की सृष्टि उत्पन्न होती है कि स्वयंभू मनु और सतरूपा। सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, यहाँ से नर जाति की सृष्टि उत्पन्न हुई। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? अब हमसे कोई पूछ ले कि बताओ हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो हम क्या जवाब देंगे कि हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हम सभी लोग स्वयंभू मनु की संतान हैं। यहाँ से नर जाति की मनुष्य जाति की सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अब आप लोग सृष्टि की रचना करो। स्वयंभू मनु और सतरूपा बोले ऐसे कहाँ करे, पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी को एक दैत्य हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था उस दैत्य ने पृथ्वी माता को ले जाकर के रसातल में छिपा दिया था और पृथ्वी के चारों तरफ विष्ठा फैला दिया। अब विष्ठा को हटाए कौन? सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से कि राजन भगवान को सुवर का रूप भी धारण करना पड़ा, अपने भक्तों के लिए परमात्मा ने सुकर का रूप भी धारण किया था। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु कैसे? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन जब पृथ्वी नहीं थी, स्वयंभू मनु और सतरूपा बोले कि बिना पृथ्वी के सृष्टि की रचना कैसे होगी, रहने के लिए जगह चाहिए। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के नाक से अवतार लिया, कैसे ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनके नाक से भगवान नारायण ने सूकर के रूप में अवतार धारण किया। देखते ही देखते भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया जिसे बोलते हम वाराह भगवान। बोले वाराह भगवान की जैन धर्म में वाराह भगवान की बहुत पूजा होती है। जो जैनी लोग होते हैं वो वाराह भगवान को बहुत मानते हैं। जैसे ही वाराह भगवान ने विराट रूप धारण किया नीचे गए रसातल में, विष्टा को हटाया और विष्टा को हटा करके पृथ्वी माता को अपने दांतों में दबा करके निकल रहे थे। जैसे ही अपने दांतों में दबा के निकल रहे थे कि ऊपर से उड़ता हुआ एक दैत्य आ रहा था हिरण्याक्ष और नारद जी भी घूमते हुए आ रहे हैं। ये हिरण्याक्ष कौन है पता है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई हैं। ये पूर्व जन्म में
भगवान के पार्षद थे, इनका नाम था जय और विजय। ये जय विजय नाम के दोनों पार्षद थे। एक बार ब्रह्मा के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो जैसे ही गए तो गेट पर जय विजय ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, बिना परमात्मा की आज्ञा के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सनत कुमारों को क्रोध आया कि हमें परमात्मा से मिलने के लिए तुम रोकते हो, तुम्हारी राक्षसों जैसी आदत है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम तीन जन्मों तक राक्षस ही हो जाओगे। जैसे तीन जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया, जय विजय ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु इसमें हमारी क्या गलती थी, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बिना आज्ञा के बिना हम आपको अंदर कैसे जाने देंगे। सनत कुमारों को भी पश्चाताप हुआ कि हमने बिना सोचे समझे इन्हें श्राप दे दिया, अब श्राप तो दे दिया, अब कैसे खत्म हो। तो सनत कुमार बोले श्राप तो दे दिया लेकिन अब हम आपको एक आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद क्या दिया कि तुम्हें मारने के लिए स्वयं नारायण भगवान को ही आना पड़ेगा, भगवान के सिवा तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता, ये हमारा आशीर्वाद है। और भगवान के हाथों से जीना भी मुक्ति और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति, भगवान का स्पर्श भी हो जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है, ये आशीर्वाद दिया। तो तीन जन्मों तक जय विजय राक्षस ही हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे में दंत वक्र और शिशुपाल हुए। ये तीन जन्मों तक राक्षस हुए और तीनों जन्मों में भगवान को ही आना पड़ा इनका उद्धार करने के लिए। तो जैसे ही हिरण्याक्ष उड़ता हुआ आ रहा था, बीच मार्ग में नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने कहा नारद जी से कि आप हमसे युद्ध करो। अब नारद जी तो वीणा बजा रहे थे, नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। नारद जी ने कहा भैया देखो हमसे युद्ध युद्ध तो होता नहीं है, अरे हम तो भगवान का नाम लेने वाले हैं, अरे युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है, युद्ध करना हमारा काम थोड़ी है, हम तो खाली परमात्मा का नाम ले सकते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा ये जो हमारे हाथों में खुजली मच रही है इसका क्या होगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। अब नारद जी बोले अगर मैं तुझे कोई एक बढ़िया सा योद्धा बता दूं, बढ़ियाड़ो आदमी तेरे से युद्ध कर ले तो क्या रे। हिरण्याक्ष ने कहा जल्दी बताओ, मेरे हाथ में बहुत खुजली मच रही है, जल्दी करो। नारद जी ने कहा कि जाओ तुम नीचे जाओ और नीचे एक व्यक्ति आ रहा होगा पृथ्वी को अपने दांतों में दबा करके, उसके साथ में जाकर के युद्ध करना, ऐसी खुजली मिटाएगा जिंदगी में दोबारा होगी ही नहीं, जाओ। अब जैसे ही हिरण्याक्ष आया नीचे, वाराय भगवान पृथ्वी को अपने दांतों में दबा के निकल रहे थे कि भगवान को छेड़ना पसंद शुरू कर दिया। और जैसे ही भगवान को छेड़ना शुरू किया, भगवान ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब भगवान क्या कहते, भगवान कहते कि अगर कभी कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो भलाई इसी में है कि अपना रास्ता चेंज कर लो, क्योंकि मूर्ख से भिड़ने में कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात, कि मूर्ख से मूर्ख मिले कह घूसा कह। ये तो होना, इसलिए भलाई इसी में है कि अगर कभी कोई मूर्ख व्यक्ति सामने मिल जाए तो हाथ जोड़ के ही रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, इसी में कल्याण है। जैसे ही भगवान ने अपना रास्ता चेंज किया, साइड में हो गए, लेकिन हिरण्याक्ष तो पीछे ही पड़ गया। भगवान फिर से छेड़ना शुरू कर दिया। भगवान ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ये तो जानबूझ के नहा धो के पीछे पड़ गया, अब इसका तो उद्धार करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने एक जोर से तमाचा लगाया हिरण्याक्ष के, एक तमाचा लगाते ही हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया।
भगवान ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही परेशान करने लग जाए, अब जीना ही हराम कर दे, तो फिर तो अपनी रक्षा करनी भी चाहिए। ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं। पहले तो समझाओ शास्त्र से, ज्ञान से, इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र से समझाओ उसे। अगर उसके बाद समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर समझ में ना आए तो शास्त्र में जो एक डंडा लगा होता है, जो आप तो खैर सब पढ़े लिखे आदमी हैं, जब हम शास्त्र लिखते हैं तो बड़ा सा लिखते हैं शास्त्र, तो जो उसमें डंडा लगा होता है उस डंडा को निकाल दो, और डंडा को निकालते ही क्या हो जाएगा, शास्त्र से हो जाएगा शस्त्र। फिर तो महाराज शस्त्र से ही काम लेना चाहिए, डंडा निकाल लो, क्योंकि अगर हम खाली हाथ ही बैठे रहेंगे तो फिर दुनिया जीने भी नहीं देगी। इसलिए हमें अपनी रक्षा भी करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने माता पिता की रक्षा करनी चाहिए, साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़ जाए तो भी कोई दोष नहीं है। जैसे ही उसका उद्धार किया, अब हिरण्याक्ष का एक भाई था हिरण्यकश्यप, उसने भगवान से बैर ठान लिया। अब ये कथा आप बाद में सुनेंगे। जैसे ही भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी माता को अपने दांतों में दबा के निकल रहे थे कि अब पृथ्वी माता को भी अहंकार हो गया। अब पृथ्वी माता को अहंकार क्या हुआ, पृथ्वी माता ने विचार किया कि देखो हमारे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता। जैसे ही इस बात का अहंकार हुआ तो भगवान ने विचार किया कि अभी एक का तो अहंकार दूर करके आया हूँ, अब इनको और हो गया, अब इनका भी अहंकार दूर करना ही पड़ेगा। तो भगवान वाराह ने क्या किया, पृथ्वी माता को श्री धाम वृंदावन दिखाया, और जैसे ही वृंदावन धाम के दर्शन कराए तो पृथ्वी माता देख के अचंभित रह गई। पृथ्वी माता बोली, हे प्रभु, सारे संसार का विनाश हो गया, मैं रसातल में चली गई, लेकिन वृंदावन का कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान बोले कि पृथ्वी से कि देवी, सारे संसार का विनाश हो सकता है पर मेरे वृंदावन धाम का कभी विनाश नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा ही हमेशा रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है, जो गए हैं वृंदावन उनको पता होगा। अच्छा, यहाँ से कोई गया है वृंदावन, इतने लोग बैठे हैं, कोई गया है? ओ देखो सरपंच जी तो गए, कई लोग गए, तो जो गए हैं उनको पता है वहाँ की लीला के बारे में। भगवान बांके बिहारी आज भी वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है निधि वन, वहाँ आज भी भगवान रास रचाते हैं, आज भी वहाँ रोज भगवान कन्हैया तरह तरह की कभी कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। निधि वन में एक मंदिर है जिसका नाम है राधा कृष्ण का मंदिर, वहाँ तो सभी राधा कृष्ण के मंदिर मिलेंगे आप ज्यादा से ज्यादा। तो जो राधा कृष्ण का मंदिर है निधि वन में, वहाँ पर जो पुजारी लोग हैं वो क्या करते हैं, रात्रि के समय में दो दातून तोड़ के रखते हैं, दो दातून तोड़ के रखेंगे और एक लोटा जल रखते हैं, किस लिए, कुल्ला करने के लिए, और दो दातून किस लिए, एक राधा जी के लिए और एक भगवान कन्हैया के लिए, रख के ताला लगा के पुजारी लोग चले जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े ताले लगते हैं, कोई छोटे मोटे नहीं लगते, सीसीटीवी कैमरे सब कुछ लगा हुआ है, और जब पुजारी लोग सुबह दरवाजा खोलते हैं, भगवान का पट खोलते हैं, तो देखते हैं क्या दातून की हुई मिलती है और पानी वहाँ पर खिड़ा हुआ मिलता है, आज भी चमत्कार है। अगर भगवान ना होते तो फिर दातून कौन करता, पानी को कौन खिलाता, क्योंकि वहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो भगवान बांके बिहारी आज भी है, और उस वन में 8 बजे के बाद रात्रि में एक भी पशु पक्षी नहीं रहते। बंदर वृंदावन में इतने हैं कि पूछो ही मत, बहुत बंदर हैं, लेकिन उस वन में आपको 8 बजे के बाद एक भी जीव नहीं मिलेगा।
अब एक भी पक्षियों ने अपना घोंसला नहीं बनाया है, एक भी पेड़ के में आपको एक भी घोंसला नहीं मिलेगा। रात में वहाँ कोई नहीं रुकते, और जितने भी पेड़ हैं आपने देखा होगा कि नीचे से एक शाखा जाती है और ऊपर जाके दो हो जाती है। दो से तीन भी नहीं मिलेंगी, चार भी नहीं मिलेंगी, दो ही मिलेंगी हर पेड़ में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक है राधा जी और एक है भगवान कन्हैया। वहाँ तो पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर भगवान का वास है। आज भी वृंदावन में भगवान कन्हैया आज भी रास करते हैं, ऐसा वृंदावन धाम है। तो जो गए हैं वो तो सब ठीक है, जो नहीं गए तो मन से चलो वृंदावन, ऐसा मन में भाव हो कि हम वृंदावन जा रहे हैं। देखो मन में अगर भाव है, श्रद्धा है, तो बाकी भी हरि यहाँ भी हैं। और अगर मन में भाव नहीं है तो वृंदावन धाम जाने से भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भागवत क्या है, भागवत क्या है, जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के बाद अपने धाम को गए तो कहते हैं भगवान कहाँ गए? भगवान कहीं नहीं गए, भगवान भागवत जी में ही प्रवेश कर गए। जहाँ भी भागवत की कथा होती है वहाँ साक्षात बांके बिहारी भागवत जी के रूप में ही विराजमान रहते हैं। तो बांके बिहारी हमारे यहाँ भी विराजमान है, लेकिन बस हमारे अंदर भाव होना चाहिए कि बांके बिहारी यहाँ भी है। तो मन को अपने बांके बिहारी से जोड़ना है कि मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे।
तो आज भी बांके बिहारी वृंदावन में महाराज करते हैं। जैसे ही पृथ्वी माता को दिखाया तो पृथ्वी माता का अहंकार दूर हुआ। पृथ्वी माता की भगवान वराह ने स्थापना की। जैसे ही पृथ्वी माता की स्थापना हुई, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 5 संतानें उत्पन्न की। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रियां हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 पुत्रियां हैं। पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुत्र हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पधारे, साथ में दक्षिणा भी पधारे और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में संपन्न हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ सती महारानी पधारी और सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न हुआ। देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल स्वयं पुत्र बनकर के पधारे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि हे प्रभु, कर्दम ऋषि ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिनके यहाँ भगवान स्वयं कपिल के रूप में उनके पुत्र बन करके आए? ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा पुण्य किया था? तो राजा परीक्षित जैसे पूछा, भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजा, एक बार जब कर्दम ऋषि समाधि लगा के बैठे थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे, जैसे ही कर्दम ऋषि की समाधि खुली, समाधि खुलते ही कर्दम ऋषि ने संसार को देखा और जैसे ही संसार को देखा मन भटक गया। मन हमारा 2 चीजों से खराब होता है, तीसरा कोई कारण नहीं है मन खराब होने का, सिर्फ 2 ही कारण है, एक हमारी आंख, दूसरे हमारे कान। अगर हम आंखों से कुछ गंदी चीज देखेंगे तो भी हमारा मन खराब होगा और अगर गंदी चीज सुनेंगे तो भी हमारा मन खराब होगा। कर्दम ऋषि ने जैसे संसार को देखा तो संसार को देखते ही कर्दम ऋषि का मन खराब हो गया, भटक गया। मन में विचार आया कि देखो संसार के लोग कैसे रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, घूमने जाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बढ़िया बिस्तर होता है, बढ़िया रूम होता है, हमें क्या मिला? टीका फूका लगा के जंगल में पड़े रहते हैं, समाधि लगाए, हमें क्या मिला? मन भटक गया। 70 साल की उम्र है, 70 साल की अवस्था में कर्दम ऋषि का मन भटका तो मन में विचार किया कि अब हम भी शादी करेंगे, हमारी भी पत्नी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, साथ में रहेंगे। 70 साल की उम्र में मन खराब हुआ, अब मन में धारण कर लिया कि अब हम शादी करेंगे। अब कोई जवान आदमी शादी के लिए बोले तो भी अच्छा लगता है, कोई 20 साल का बालक बोले कि शादी करेंगे तो ठीक लगेगा, 25 साल का बोले तो भी सही लगेगा, 30 साल का बोले तो भी सही लगेगा, लेकिन 30 साल के बाद अगर कोई बोलता है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। 30 साल के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं कि शादी का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। 30 साल के बाद जो भी शादी का ख्वाब देखते हैं वो गलत है, 30 साल के पहले ही शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा 40-40 साल के हो रहा फिर भी कुंवारा बैठा, फिर भी कई बोला कि महाराज मार लो भी कोई जुगाड़ बैठा दे,
अब महाराज क्या कुछ उगाड़ बैठा दिया। अब समझने वाली बात है भाई, जो 40 साल के हैं तो वो तो बूढ़े हो गए, बूढ़ों में ही तो गिनती आएगी। अब हम अपनी बहन बेटे के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं, लड़के देखने के लिए जाते हैं ना, कोई बूढ़ा देखने के लिए थोड़ी जाते हैं। लड़का जो होता है वो 30 साल तक, 30 साल के बाद वो बूढ़े। लेकिन करदम ऋषि की उम्र 70 साल, अब वो भी शादी करने के लिए मन में ठान लिया कि अब हम भी शादी करेंगे। अब तू 70 साल को डो करो, कोई बोल रहा है कि मैं ब्याह कराऊंगा, जन आदमी के देखो डोगरा के बुद्धि खराब है, बुढ़ापा में ब्याह करने खातिर तैयार हो रहे हैं। अब ये मान लो अपना सरपंच जी है, अब सरपंच जी कह दे मैं तो ब्याह कराऊंगा, जन आदमी के देखो सरपंच जी क्या बुद्धि खराब, बुढ़ापा में ब्याह करने खातिर चाल पड़े। हाँ के बिगड़े, कई आदमी डाई डुई करा के बाल और काला वाला करा के चाल पड़े ना, मैं तो जवान तो आदमी सही थोड़ी बताओ, ये क्यों देखो बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो गई। लेकिन करदम ऋषि मन में पक्का ठान लिया कि अब हम शादी करेंगे। अब तपस्या करना शुरू कर दिया, किस लिए कि अब हमारी शादी हो जाए। अब भगवान की कोई तपस्या करता है कि हे प्रभु हमारे बच्चों की नौकरी लगवा देना, कोई तपस्या करता है हे प्रभु हमारे पोता हो जाए, कोई तपस्या करता है बढ़िया उन्नति हो। लेकिन इन्हें देखो बुढ़ऊ महाराज को, ये तपस्या कर रहे हैं किस लिए कि हमारी शादी हो जाए इसलिए। लेकिन भगवान तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जो जिस भावना से भगवान को भजते हैं उनकी मनोकामना परमात्मा जरूर पूर्ण करते हैं। जैसे ही करदम ऋषि ने तपस्या करना शुरू कर दिया कि हमारी शादी हो जाए, अब भगवान भी कम नहीं, जैसे ही तपस्या शुरू की एक दिन भगवान नारायण प्रसन्न होकर के करदम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही करदम ऋषि के सामने प्रकट हुए, करदम ऋषि ने जैसे भगवान के दर्शन किया तो सब कुछ भूल गए। भगवान को देखते ही भगवान से बोले हे प्रभु मैं तो गलत रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन आपको देखने के बाद अब कोई भी लालसा रही ही नहीं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब तो मैं केवल आपका ही भजन करना चाहता हूँ। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान को दर्शन कर लेता है, भगवान को देखने के लिए जब व्यक्ति तैयार हो जाता है, उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो फिर उस व्यक्ति को संसार अच्छा नहीं लगता, फिर तो उस व्यक्ति को खाली भगवान ही नजर आते हैं कि कब भगवान की एक झलक मिल जाए दर्शन करने के लिए। करदम ऋषि ने हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई आपको देखने के बाद। भगवान बोले करदम ये तूने क्या किया, अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देते, अब हमारी बात का क्या होगा। करदम ऋषि ने पूछा कैसे प्रभु, भगवान बोले अरे हम तो आपकी सगाई पक्की करके आए हैं, अरे हमें क्या पता था कि आप मना कर दोगे, अगर हमें ये पता होता कि मना करोगे तो हम आपकी सगाई भी नहीं करते। करदम ऋषि बोले हे प्रभु आपने हमारी सगाई भी पक्की कर दी। भगवान बोले और क्या, आपकी सगाई पक्की करके आपके पास आया किसके साथ में। भगवान बोले स्वयंभू मनु की पुत्री है देवहूति, देवहूति के साथ में मैं तुम्हारी सगाई पक्की करके आया हूँ, अब बताओ आपने हमारी बात ही खराब कर दी। करदम ऋषि बोले हे प्रभु जब आपने सगाई ही पक्की कर दी तो चलो कोई ना अब हम शादी भी कर लेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। अब करदम ऋषि ने भगवान के सामने शर्त रख दी, शर्त क्या रखी। करदम ऋषि बोले प्रभु हमारी शर्त है कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा और वो पुत्र आपको बन करके आना
पड़ेगा। अगर आप मेरे पुत्र बन करके आओ तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, नहीं मुझे कोई शादी नहीं करना। भगवान भी शर्त में बंध गए। भगवान बोले, करदम, आपकी शर्त मुझे मंजूर है और मैं आपका पुत्र बन करके जरूर आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के पास पधारे। करदम जी ने कितना सुंदर भगवान को बंधन में बांध दिया कि अगर आप मेरे पुत्र बन करके आओ तो मैं शादी करूंगा। अरे भगवान तो पुत्र बनने के लिए भी तैयार है, पर कोई भक्त तो होना चाहिए कि भगवान को पुत्र बना करके अपने घर में बुलाए। पर भगवान तो आने के लिए तैयार है, अपने भक्त के लिए भगवान हर तरह का रूप धारण करने के लिए तैयार रहते हर समय। जैसे ही स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए करदम ऋषि के सामने, करदम ऋषि ने विचार किया कि ये मेरी धर्म पत्नी बनने के लिए जा रही है, जरा इसकी परीक्षा तो ली जाए कि इसके माता पिता ने इसे संस्कार कैसे दिए हैं, परीक्षा तो ले। करदम ऋषि ने परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? दो आसन बिछाए, एक तो होने वाले ससुर जी के लिए और एक होने वाली धर्म पत्नी के लिए। अब ससुर जी तो आसन पर बैठ गए क्योंकि ससुर जी तो पिता के समान है, वो तो आसन पर विराजमान हो गए, लेकिन देवहूति के सामने समस्या खड़ी हो गई। खड़ी क्या हुई कि अगर आसन पर बैठती है तो पति की बराबरी होती है और अगर आसन पर नहीं बैठती तो आसन का अपमान होता है। अब देवहूति करे तो करे क्या, आसन पर बैठती है तो पति की बराबरी होती है, अगर आसन पर नहीं बैठती तो आसन का अपमान होता है। अब ये समस्या खड़ी हो गई देवहूति के सामने। अब देवहूति करे तो करे क्या, ये बात आज की नहीं है, ये बात उस समय की है। आज वाली तो महाराज बराबर की छोड़ो, सीधे जाके खोपड़ी में बैठे, बराबर की तो बात ही छोड़ दो। आज को जमाना ही कुछ दूसरा है, लेकिन पहले माताएं अपने पति की बराबरी में नहीं बैठती थी। आज भी जो बूढ़ी हैं, बूढ़ी वाली माताएं, वो अपने पति की बराबर में कभी भी नहीं बैठती थी। जिस जगह में पति बैठते थे उस जगह में धर्म पत्नी कभी नहीं बैठती थी। अब आज पूछो ही मत। आज का जमाना ऐसा है, अगर पति पत्नी कहीं पर जाए, कहीं भी चले जाए, मान लो पति ने सोचा मेरा मित्र है, चलो मित्र के पास भी मिल लेते हैं, तो जैसे ही मित्र के पास पहुंचे, मित्र ने एक कुर्सी लाके रखा मित्र के लिए कि लो मित्र बैठ जाओ। अब दोनों है, पति और पत्नी, कुर्सी है एक, समस्या ये हो गई। अब जैसे ही पति बैठ गया, अब पत्नी तुरंत बोलेगी, हाँ जी ये काम करो ना। पति बोलेगा कि थे काम करो, थे थोड़ी देर खड़ा हो जाओ ना, मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं बैठ जाऊँ। अब पत्नी तो बैठ जाएगी कुर्सी में, अब पत्नी खड़ा हो जाओ बॉडी गार्ड बन के। ये आज का जमाना, कई लोग कहते हैं कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। अरे वो पढ़े लिखे भले नहीं होते थे, लेकिन संस्कारवान जरूर होते थे। आज का लोग ज्यादा पढ़ करके अपने संस्कार ही भूल गए। अरे ऐसी पढ़ाई किस काम की जो संस्कार ही व्यक्ति भूल जाए। अरे कम पढ़ लिख लेगा तो चलेगा। हमारे बच्चे अगर एक आध क्लास कम पढ़ लिख ले तो भी चलेगा, अच्छी नौकरी ना मिल पाए तो भी चलेगा, कोई अच्छा पद ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन अगर संस्कार अच्छे ना मिले तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में औरों को भी लेके डूबेगा, पीढ़ियां की पीढ़ियों को ही डूबा देगा अगर संस्कार ना मिले बच्चों को। तो आज के जमाने में हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत ज्यादा है। हम आजकल अपने संस्कार ही भूल गए कि अपने पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आजकल की माताएं जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा इंग्लिश पढ़ लिख ली है, BA MA, वो सीधे ही नाम लेती है अपने पति का,
सीधे ही भगवान के काम की पढ़ाई, तो क्या कि इंग्लिश मीडियम में गया, क्या ने टाइम खराब करा। थाना में बढ़िया तो पहले का लोग था, अनपढ़ अंगूठा छाप जो इज्जत से बात करया करता, बराबर में कदे बैठता ही घुड़िया। ते बी ए एम ए करके डिग्री लेके घूम रहा हो, झूठी डिग्री। लेकिन पहले के लोग संस्कारवान बहुत होते थे। अब आपके सामने अगर ऐसी समस्या हो जाए तो आप क्या करोगे? आप अगर पति देव आपकी कभी परीक्षा ले, आसन बिछा दिया जाए, फिर आप क्या करोगे? आसन में बैठोगे? आसन पर बैठोगे तो पति की बराबरी होगी, नहीं बैठोगे तो आसन का अपमान होगा। अब क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब वो दे सकता है, वही माता दे सकती है जो अपने पति की सच्चे मन से सेवा की हो। और जो जवाब ना दे पाए, समझ लो कि सेवा की नहीं, मामला गड़बड़ है। अब बताओ यहाँ पर कोई जवाब दे सकता है? अगर किसी के पास जवाब है तो बताओ, अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि अभी सेवा कमजोर है, सेवा करने की ज्यादा जरूरत है। देवहूति ने क्या किया? अब देखिए कथा भागवत से, सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कैसा व्यवहार किसके साथ में करना चाहिए, ये संस्कार मिलते हैं। अभी आपको यही नहीं पता कि बताओ आसन में कैसे बैठना चाहिए, पता है? बताओ, नहीं पता ना? नहीं पता। देवहूति ने क्या किया? आसन को, बात छोटी सी है, एकदम छोटी सी, लेकिन बस समझने की जरूरत है। देवहूति ने क्या किया? आसन को प्रणाम किया और आसन को साइड में रख दिया, स्वयं नीचे बैठ गई। आसन का मान भी हो गया और पति की बराबरी भी नहीं हुई। कर्दम ऋषि तुरंत समझ गए कि कन्या संस्कारवान है, इसके माता पिता ने इसे सुंदर संस्कार दिए हैं। बच्चों को देख करके माता पिता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अगर बच्चे संस्कारवान है तो समझ लीजिए कि इसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि संस्कार आते हैं माता पिता से। अगर बच्चे खड़ूस हो, सारे दिन लड़ाई करने में ही रहते हो, तो समझ लोगे भैया हाँ बैकग्राउंड भी पूरा गलत ही है, अच्छा नहीं है। कर्दम ऋषि तुरंत समझ गए कि कन्या बड़ी संस्कारवान है, इसके माता पिता ने बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं। जैसे ही समझे स्वयं मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया, और कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में पधारे। जैसे ही कुटिया में पधारे, कर्दम ऋषि बोले देवहूति से कि देवी अब तुम कुटिया को संभालो और मैं थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। जैसे ही कर्दम ऋषि ध्यान लगा के बैठे तो समाधि लग गई 40 साल की, कोई एक दो महीने की नहीं, 4 महीने की नहीं, 4 साल की नहीं, 40 साल की समाधि लगा के कर्दम ऋषि बैठ गए। अब देवहूति जंगल में क्या तो खाए, कैसे रहे, क्या अपने पति की सेवा करे, घर से बाहर निकली थी पहली बार, और पहली बार ही ऐसी निकली कि पति ऐसा मिला कि जो 40 साल की समाधि लगा के ही बैठ गया। परमाता देवहूति ज्ञानवान थी, अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती थी। गर्मियों में ठंडे पानी से शरीर को पोंछ देती थी, सर्दियों में गर्म पानी से, गर्मियों में पंखा डुलाती थी, सेवा करती थी कि अब मेरे पति को कभी कोई कष्ट ना हो जाए। स्वयं क्या खाती थी? कभी फल मिल जाए तो खा लेती थी, कभी फल ना मिले तो पत्ते खा के ही काम चलाती थी, कभी जल पी करके ही अपना काम चलाती थी। ऐसे करके 40 साल तक माता देवहूति ने अपना जीवन यापन किया और सच्चे मन से अपने पति की सेवा की 40 साल तक। आज की कोई ऐसी नारी है? 40 साल की बात छोड़ दीजिए, ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन अगर आज के पति 4 महीने घर में बैठ जाए, 1 रुपया ना कमाए, तो पत्नी कैसी सेवा करेगी वो तो पति देव ही जानते होंगे। आह,
लेकिन ये उस समय की बात है। माता देवहूति कितनी ज्ञानवान थी कि सच्चे मन से अपने पति की सेवा कर रही है। आज की 4 महीने भी सेवा करने वाली नहीं है। अगर पति बढ़िया माल पानी कमाता है तो सेवा बढ़िया होगी। अगर माल पानी नहीं कमाता तो सारे दिन महाराज गाल काटेगी बाप कना, सारा दिन वही बैठे है कि मैं कमावे धमावे को ना। लेकिन माता देवहूति ने सच्चे मन से सेवा वही होती है जो सच्चे मन से सेवा करे उसके मन में उसके चेहरे में कुछ फर्क ना पड़े। और कोई नारी अगर भोजन बना रही है भोजन बनाते बनाते उसका मुंह बन जाए तो फिर भोजन बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर माता पिता की हम सेवा कर रहे हैं सेवा करते करते अगर मुंह उतर जाए तो फिर वो सेवा का कोई मतलब नहीं है। सेवा वो मनवाए थे और आपके साथ मेरा विवाह किया था, तब करदम ऋषि को याद आया कि हाँ मेरा तो विवाह भी हुआ था। करदम ऋषि बोले देवी कि आपको तो अपने पिता के घर चली जाना चाहिए था, आपको तो यहाँ बहुत कष्ट हुआ होगा, आपने क्या खाया होगा कैसे रहा होगा। देवहूति बोली कि स्वामी पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग के बराबर होता है, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, पत्नी वही है जो अपने घर को स्वर्ग बना करके रखे, नहीं वो पत्नी नहीं है। पति का घर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, टूटा फूटा चाहे झोपड़ी ही क्यों ना हो, पत्नी के लिए वो झोपड़ी ही स्वर्ग के बराबर है। और जो नारी स्वर्ग समझ करके अपने पति के घर में रहती है उसका यहाँ भी मान सम्मान होता है और यहाँ से जाने के बाद परमात्मा भी उस नारी का मान सम्मान करते हैं। करदम ऋषि ने कहा देवी मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मिलेगा। देवहूति ने कहा कि स्वामी मुझे आप जैसा पति मिले, तपस्वी भजनानंदी, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। करदम ऋषि बोले नहीं कुछ तो मांगो। देवहूति ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। करदम ऋषि ने कहा आप अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही देवहूति ने अपनी आंखें बंद की करदम ऋषि ने अपने तपस्या के प्रभाव से एक सुंदर जल का सरोवर बना दिया, महल बना दिया, दास दासियां हो गए, बाग बगीचे सब कुछ एक पल में ही तैयार कर दिया। जैसे ही देवहूति ने आंख खोल के देखा सुंदर जल का सरोवर महल बाग बगीचे दास दासियां नौकर चाकर सब कुछ, करदम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उस जल के सरोवर में जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे बाहर निकले तो दोनों नवयुवक जवान हो गए। 16 साल की माता देवहूति और 20 साल के करदम ऋषि दोनों नव युवक जवान हो गए। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अब यहाँ से करदम ऋषि का और देवहूति का गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हुआ। दोनों ने गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने लगे। करदम ऋषि के पुत्र तो हुआ नहीं और पुत्रियां हो गई 9। 9 पुत्रियां हो गई। ये 9 पुत्रियों से ही ये संसार चलता है, 9 पुत्रियों से ही ये संसार चल रहा है। करदम ऋषि की जो 9 कन्याएं हुई वो संसार की रचना में बहुत बड़ी भागीदारी है। जब पुत्र नहीं हुआ 9 बेटियां हो गई लेकिन करदम ऋषि कभी उदास नहीं हुए, कभी नहीं उदास। उनके मन में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे 9 बेटियां हो गई। और आज का समय ऐसा है कि अगर किसी के घर में 1 बेटी हो जाए भगवान की दया से दूसरी और हो जाए, फिर भगवान की कृपा से तीसरी और हो जाए, हाँ फिर तो पूछो ही मत।
फिर व्यक्ति ऐसा उदास हो जाएगा कि बाप भी उदास, माँ भी उदास, दादी दादा सब उदास, परिवार के लोग भी उदास, पूरा गांव उदास, सब उदास हो जाते। अगर कोई पूछ रहे भैया इस बार क्या हुआ, फिर जवाब कैसे दे के बता, मार तो करम फूट हो, मार तो बेटी बेटी हो रही, मार तो बेटी गेल हो रही, मेरे न कुन सजनम में के पाप करे जो अब की बार बेटी बेटी हो रही, बेटो तो हो ही नहीं रही। अगर बेटा हो जाता तो किस्मत सुधर जाता, और बेटी हो गई तो मतलब कर्म फूट गए। एक बात याद रखना, जिसकी बेटी नहीं होती उसी बाप को पता होता है कि बेटी क्या चीज होती है। वो एक बेटी के लिए तरसता है कि अगर भगवान मुझे भी एक बेटी दे देता तो मेरा भी आंगन भरा रहता है। हर बेटी के किस्मत में बाप होता है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हर बेटी के किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती। वो किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी होती है। जितना ख्याल एक बेटी अपने माँ बाप का रख सकती है, उतना कभी एक बेटा ना तो आज तक रखा है और ना आगे कभी रखेगा। चाहे किसी का भी बेटा क्यों ना हो, लाखों में करोड़ों में कोई एकाध श्रवण जैसा बेटा हो जाए उसकी अलग बात है, पर बेटी जितना ख्याल कभी कोई बेटा नहीं रख सकता है। अगर रात्रि के समय में कोई पिता बाहर से आए घर में और आकर के भूखा हो और बेटा हो घर में बेटी ना हो, और अपने बेटा से बोले कि बेटा मुझे जोर से भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ भोजन बना दे, तो क्या वो बेटा बनाएगा? रात में 2 बजे उठ के बेटा यही कहेगा, पिताजी तो सो जाओ, सुबह खा लियो साके, मेरे बस की बात को ना, नींद मना खराब करो। लेकिन अगर उस घर में बेटी हो तो रात में 2 बजे उठ करके भी अपने पिता के लिए भोजन बनाएगी, पर अपने पिता को भूखा नहीं सोने देगी। यहाँ पर सब बेटियां बैठी हैं, सबके पिता हैं। अगर आपके पिताजी कभी घर में आ जाएं 1 बजे 2 बजे रात में, तो क्या आप अपने पिताजी को भूखा सोने दोगे? कोई नहीं सुलाएगा, सब कोई खिला के ही सुलाएगा। 2 बजे उठ करके भी बेटी अपने पिता के लिए भोजन बनाएगी। अगर कोई गरीब पिता होता है और उसकी बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल में एक एक पैसा जोड़ती रहती है। जब ससुराल में एक एक पैसा जोड़ती है, अपने पियर आती है, उसे पता है कि मेरे पिता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पिता कमजोर है, तो वो जब अपने पियर से ससुराल जाती है तो बीच रास्ते में उतर के सामान खरीद लेती है और ससुराल जा करके अपने सास ससुर को दिखाती है कि ये मेरे पिताजी ने दी है, ये मेरी माँ ने दिया है। जितना इज्जत का ख्याल एक बेटी अपने माता पिता का रख सकती है, उतना ख्याल बेटा कभी नहीं रख सकता, आज तक भी नहीं रखा। लेकिन मान सम्मान किसका? बेटे का। बेटी का कोई मान सम्मान नहीं, हर खुशी त्याग देती है बेटी अपने पिता के लिए। अगर पिता कमजोर है तो अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देती है, यही बोलती है कि पिताजी बस आप मेरी पढ़ाई लिखाई मत करो, आपकी हालत ये नहीं है। एक बेटी एक ड्रेस में ही काम निकाल लेती है कि पिताजी आप मेरे लिए ड्रेस भी रहने दो, मैं इसी से ही काम चला लूंगी। लेकिन अगर बेटा होता है ना, तो बेटा ने अगर मांग लिया तो देना ही पड़ेगा, चाहे पिताजी को कर्ज करके लाना पड़े, पर महाराज पिताजी को देना ही पड़ेगा। पर बेटी कभी भी अपने पिता से जिद नहीं करती कि पिताजी मेरे लिए आप ये ही लेकर के आओ, जो होता है उसी में ही अपना काम चला लेती है। लेकिन मान सम्मान किसका? बेटे का। बेटा अगर हो जाता है तो डीजे बजना शुरू, अगर बेटी हो गई तो डीजे के बाद थोड़ा थाली भी गुण बचे मारे, सबका चेहरा उदास हो जाता है कि बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों हमें बताओ क्या सम्मान नहीं।
Thank you.
सर भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि के पुत्र नहीं हुआ, पुत्रियां हो गई नौ, जैसे नौ बेटियां हुई पुत्र नहीं हुआ। कर्दम ऋषि ने उठाया कमंडल और कमंडल उठा के चल पड़े बन की ओर। जैसे ही बन की ओर जाने लगे, देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी आप याद करो, आपने वचन दिया था कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ूंगा, अभी पुत्र तो हुआ नहीं, आप पहले ही चल पड़े। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि अभी तो हमारे घर में भगवान का आना बाकी है, पर पता नहीं कि भगवान कब आएंगे। कर्दम ऋषि भगवान को याद करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप कब आओगे, आप मुझे कहाँ फंसा करके चले गए, आप इतना विलंब क्यों करते हैं। जैसे ही कर्दम ऋषि ने भगवान की करुण पुकार की, दसवें में भगवान स्वयं माता देवहूति के गर्भ में पधारे। समय आने पर भगवान स्वयं देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय हो। जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ, कर्दम ऋषि बोले देवहूति से कि देवी अब आप इनकी सेवा करो और मैं एकांत में जा करके इनका चिंतन करता हूँ। कर्दम ऋषि चले गए एकांत में ध्यान करने के लिए। इधर माता देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान की सेवा करने लगी। धीरे धीरे जब कपिल भगवान बड़े हुए, एक दिन माता देवहूति ने विचार किया कि मेरे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा पधारे हैं और अगर मैंने इनसे कुछ ज्ञान अर्जित ना कर पाई तो मेरे से मूर्ख कौन होगा। अगर कोई व्यक्ति गंगा जी जाए और गंगा जी जाने के बाद अगर फिर ना नहाए तो फिर उस व्यक्ति से मूर्ख कौन हो सकता है। देवहूति ने भी ऐसा ही विचार किया कि मेरे घर में तो स्वयं भगवान पधारे हैं, अब फिर भी अगर मैंने कुछ ज्ञान ना ले पाई तो मेरे से मूर्ख कौन होगा। एक दिन देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान ध्यान करा के नए वस्त्र पहना के एक चौकी पर विराजमान किया, सुंदर तिलक किया। कपिल भगवान बोले माता ये आज आप उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो, अरे मुझे नीचे बैठना चाहिए आपको ऊपर, ये आप उल्टी गंगा। माता देवहूति बोली कि हे प्रभु ये जो मैं आज कर रही हूँ ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। हे प्रभु मेरे मन में कुछ शंका है, आप मेरे शंका का समाधान कीजिए। कपिल भगवान बोले कि हे माँ पूछिए, बताने की कोशिश करूंगा। तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से तीन प्रकार के प्रश्न किए। ये भागवत का मुख्य प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। भागवत का एक प्राण है कपिल देवहूति संवाद, ये जो चल रहा है। देवहूति ने कपिल भगवान से तीन प्रश्न किए और ये तीन प्रश्न हम सब के जीवन में काम आने वाले हैं। तीन प्रश्न क्या किया, देवहूति ने कहा कि हे प्रभु आप ये बताइए कि ये जो हमारी दस इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और ये जो इंद्रियां हैं ये हमें अपनी ओर खींचती हैं, इन इंद्रियों को हम